नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बैसल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो कल के लिए मतलब 14 फरवरी 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है, उसका व्यू दिखाऊंगा, बाय लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी इन साइड दर NR4 NR7 NR6 पैटर्न फॉर्मेशन आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी से टेक्निक है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और ये फाइल कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे मोस्ट इफेक्टिव इसका यूज करना है, ये इसका परफॉर्मेंस क्या है, वो परफॉर्मेंस वाला वीडियो जरूर देखिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कैसे इसको स्क्रीनिंग किया जा सकता है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, सैम्पल फाइल, इसमें क्या क्या है उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक भी, जिसमें मैंने ये पूरा फाइल शेयर करता हूँ, उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दिया गया है, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें बाई लेवल सेल लेवल मैंने आप लोग इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है वो वीडियो देख लीजिए। तो इसमें बाई लेवल सेल लेवल 1, बाई लेवल सेल लेवल 2 और बाई लेवल सेल लेवल 3 दिखाता हूँ। तो ये बाई सेल लेवल 1 में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ रहता है और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ रहता है। सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। और इसमें आप लोग को मार्केट होने ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है आप लोग को देख लेना है, उसके हिसाब से पोजिशन लेना है। आप लोग परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए और या अगला वाला वीडियोस देख लीजिए, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। यह है टारगेट बाय सेल लेवल 2, इसमें आप लोग को बाय सेल लेवल 2 और इसके बाद बाय सेल लेवल 3 आएगा। यह है बाय सेल लेवल 3, इसमें R1 एंट्री लेवल है, बाय का एंट्री लेवल और S1 सेल का एंट्री लेवल है। इसके अलावा पिवट पॉइंट का, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, ये देख के भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। R1 के ऊपर 8 2 8 उसका 8 3 और S1 के ऊपर 8 2 8 3 8 3 और बोलिंजर बैंड, अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड, उसका भी वैल्यू नोट कर सकता है। प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है, वो देख के भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। और जो दिखाऊंगा वो है टीरोन लेवल, टीरोन लेवल का टॉप लाइन, मिड लाइन और बॉटम लाइन ये के भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा मैंने इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, जो आप लोग को लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर और ये निफ्टी का फ्यूचर और बैंक निफ्टी निफ्टी का इंडेक्स है और इसका ये बाई लेवल सेल लेवल 1, आप लोग कोई भी लेवल फॉलो कर सकता है। यह है बाई लेवल सेल लेवल 2, इसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 3 आएगा और स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी दिखाऊंगा। यह है बाई लेवल सेल लेवल 3 और इसका स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्टिकुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और इधर बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल और इसके बाद आएगा टीरन लेवल और इसके बाद मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ। हम लोग किसी दिन किसी का स्क्रिप्ट में ऑब्जर्व कर सकता है कैसे काम करता है, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले सकता है। और इसके बाद कमोडिटी का और कुछ बाकी रह गया, हम लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसका लेवल, बाय लेवल सेल लेवल 1 2 और 3, पिवट पॉइंट, बोलिंग जोन, प्राइस चैनल, टीरोन लेवल। उसके बाद कुछ फ्यूचर्स का दिखाता हूँ, वो उसका ऑनली बाय लेवल सेल लेवल दिखाता हूँ और कोई स्क्रीनिंग नहीं किया, तो जैसा हम लोग को ऑब्जर्व करने के लिए दिखाता हूँ। और इसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, ये में नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी, जो जिस जिस स्टॉक्स का
आज का कैंडल को 100 मूविंग एवरेज काट किया है, वो उसका हाई लो कल जो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो देखिए इधर कौन कौन में क्या है, इधर ग्रासिम में क्या है, मैंने चार्ट में भी एक बार देखा देता हूँ, इधर डेली चार्ट देखना पड़ेगा, उधर सॉली मूविंग एवरेज 100 लगाता हूँ। सॉरी एक निफ्टी बैंक का है, इसमें ग्रासिम एक, हाँ देखिए एक ग्रासिम को काट किया है तो इसका हाई लो जो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। उसके बाद इसके बाद और किस में हुआ है, इधर ICICI प्रुडेंशियल लाइफ में हुआ है, आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं, इन्फर्टेल में किया है, आप लोग चार्ट में चेक कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं हाई लो ब्रेक करके। इसके बाद इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इनसाइड द बार NR4 NR7 दिखाऊंगा। इधर देखिए ACC में इनसाइड द बार हुआ है और NR4 NR7 भी हुआ है, तो एक एग्जांपल आप लोग को दिखा के मैंने कॉन्सेप्ट को सम बता देता हूँ। देखिए इनसाइड द बार वन डे का हिसाब से जो इनसाइड द बार हुआ है ये क्या है, ये अगला दिन का कैंडल का अंदर ये आज का कैंडल रह गया, और NR4 NR7 भी हुआ है इसमें, इसका मतलब है ये NR4 का मतलब है ये कैंडल जो कि अगला तीन कैंडल का जो हाई लो का जो डिफरेंस है, ये आज का जो डिफरेंस है ये सबसे कम है, तो इसका हाई लो जब आज का कैंडल का हाई लो अब लोग वन डे का हिसाब से इंसान दबार पकड़ के भी ट्रेड कर सकता है, और आज का इसमें NR4 NR7 भी हुआ है तो इस कैंडल का हाई लो जब ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, और NR7 ये कैंडल छो के अगला 7 कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है ये वो इसका हाई लो इसके इसमें सबसे कम है, तो इसका हाई लो जब ब्रेक होगा तो आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और इधर और केस में देखिए इसमें हमारा जो बैटरी में वन डे का हिसाब से ये इंसेंट दबार हुआ है, NR4 भी हुआ है, यह NR7 अंबुजा सीमेंट में NR4 NR7 कंफर्मेशन हुआ है, आप लोग चार्ट में चेक कर सकते हैं। बजाज फिनसर में देखिए बजाज फिनसर में भी हुआ है, एक दो मैंने दिखा देता हूँ आप लोग खुद से सब क्योंकि प्रभाव दिखाने और भी बहुत कुछ दिखाना था दिखाने का है तो वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए बजाज फिनसर में वन डे का हिसाब से रिसेंट बार है, NR4 NR7 भी शायद हुआ है, हाँ NR4 NR7 भी इसमें कम हुआ है। इधर बैंक बड़ौदा, इधर बाटा इंडिया, ये सब आप देख सकते हैं, देखते हैं और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न इस फाइल में है तो आप लोग इधर देख सकते हैं। देखिए अदानी एंड में हायर है, यहाँ लॉस बना है, इसमें थी व्हाइट शोल्डर बोलते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये देखिए अगर थी लगातार 3 डेज में ये 3 व्हाइट मतलब 3 बुलिश कैंडल हायर है, हायर लोज बना है। उसके बाद इधर देखिए इधर लोअर है, लोअर लोज, इधर ये बोलता थी ब्लैक क्रॉस अपोलो टायर में हुआ है, ये आप लोग भी कुछ चेक कर सकते हैं। ये देखिए इधर जिनमें से लोअर है, लोअर लोज बना है, बीच में बुलिश हुआ है लेकिन उसको लोअर है, लोअर लोज बना है, और इसमें कनाडा बैंक में लोअर हाई लोअर लोस बना है। अच्छा और इसमें देखिए हाँ इसमें देखिए इधर हैंगिंग में सॉरी इधर हैंगिंग मैन बना है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हैंगिंग मैन बना है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न बना है,